हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। और आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मेरा क्लास कुछ दिनों से बंद था व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन वास्ते आप लोगों को हर रोज़ क्लासेस का वीडियो मिलता रहेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ के NCERT बुक के पर में 1.3 के बारे में, जो है कि पी एक आभास संख्या है और यदि ये पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक। चलिए इस बारे में हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। जैसा कि मान लेते हैं हम लोग कि ए एक संख्या है जिसके आभास गुणनखंड निम्न है। तो ए के आभास गुणनखंड हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए P1 P2 P3 .. PN है, जहाँ पर आपको देखना है कि जो ये जहाँ पर P1 P2 P3 PN अभाज्य संख्या है और ये आवश्यक रूप से भिन्न नहीं। चलिए इसको हम लोग वर्ग करके देखते हैं। जैसे ए बराबर आपका अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 .. PN है। अगर इसको हम लोग वर्ग करते हैं तो वर्ग करने पर हम लोग पाते हैं कि इसका भी वर्ग हो जाएगा और ये सभी संख्याओं का भी वर्ग हो जाएगा, यानी P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर .. ये PN स्क्वायर। अब चूंकि आपको सवाल में दिया हुआ है कि पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, ये पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो हम लोग जब अंक गणित का आधारभूत परिमेय लगाएंगे, यानी अंक गणित के आधारभूत परिमेय से, जब हम लोग अंकगणित का आधारभूत परिमेय लगाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये पी जो है ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी पी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है। परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अद्वितीयता, आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता का हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो हम लोग पाते हैं ये जो ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 P3 .. PN अर्थात P इन्हीं में से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक आभास गुणनखंड है, हम लोग देख रहे हैं कि P1 P2 P3 .. PN है, और जब हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हुआ, यानी यहाँ पर P1 का स्क्वायर हुआ, ये P2 का स्क्वायर हुआ, ये P3 का स्क्वायर हुआ, वो PN का स्क्वायर हुआ, अर्थात जो भी अभाज्य संख्या है उसी का स्क्वायर हुआ। अर्थात अगर हम लोग इसको फिर से अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे तो ए स्क्वायर के भी अभाज्य गुणनखंड P1, P2, P3 .. PN ही होंगे। जैसे अभी मैं तुरंत अब लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आप देख लीजिए कि 4 के अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 × 2 हुए, यानी अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर / 2 का स्क्वायर,
यानी फिर से दो गुना दो गुना दो गुना दो। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से चार का स्क्वायर दो गुना दो है, दो का स्क्वायर गुना दो का स्क्वायर है, और फिर से जब हम लोग उसको तोड़ रहे हैं तो दो गुना दो गुना दो गुना दो ही हो रहा है, अर्थात फिर से चार का स्क्वायर का भी आभास गुणनखंड जो है आपका केवल दो और दो ही है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग ए का भी वर्ग करेंगे तो पी वन का स्क्वायर होगा, अर्थात ए स्क्वायर का भी आभास गुणनखंड केवल पी वन ही होगा। तो उसी तरह से ए स्क्वायर का आभास गुणनखंड जो है केवल पी वन पी टू पी थ्री डॉट डॉट पी एन है, और ये P जो है इन्हीं में से एक है। अतः P A को भी विभाजित करेगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए इस सवाल को फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए, माना कि ए कोई भी संख्या है जिसके आभास गुणनखंड जो है आपको P1, P2, P3, Pn है, जहाँ पर P1, P2, P3 जो है वो ए के आभास गुणनखंड हैं और ये P1, P2, P3 आभास संख्या है और आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। कहने का मतलब है जैसे वहाँ उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि चार के आभास गुणनखंड दो गुना दो, तो दोनों आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है, हो सकता है दोनों आभास गुणनखंड एक भी हों, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर चार के आभास गुणनखंड जो है दो और दो, तो उसी तरह से वहाँ लिखा हुआ है उसी चीज़ को कि ये आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। उसके बाद हम लोग इसको वर्ग करते हैं, तो ए स्क्वायर का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो जितनी आभास संख्याएँ हैं ये एक दूसरे का वर्ग हो जाएंगी, सॉरी एक दूसरे का नहीं, सारी की सारी संख्याएँ वर्ग हो जाएंगी। जैसे कि चार का आभास गुणनखंड दो गुना दो है और चार का स्क्वायर हम करते हैं तो ये दो स्क्वायर गुना दो स्क्वायर हो जाती है। उसी तरह से यहाँ ए स्क्वायर का जो अगर हम लोग ए स्क्वायर ए का वर्ग करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं, तो उसी तरह से ये पी वन का स्क्वायर हो जाएगा, ये पी टू का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सवाल में दिया हुआ है कि जो पी है वो ए स्क्वायर को विभाज करता है, तो हम अगर ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए स्क्वायर का आभास गुणनखंड है, परंतु अगर उसी अंगणित के आधारभूत परिमेय का अद्वितीयता का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी आभास गुणनखंड के अद्वितीयता का, जिसमें बताया गया है आप लोगों को कि कोई भी संख्या का आभास गुणनखंड सिर्फ उसके क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है, अर्थात तो यहाँ क्रम का हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। अब P2 भी पहले लिखा जा सकता है, P3 भी पहले लिखा जा सकता है, तो यहाँ P1, P2, P3 जो हैं या Pn हैं जो A स्क्वायर के आभास गुणनखंड हैं, तो इससे ये साबित होता है कि ये जो P है इन्हीं P1, P2, P3 में से एक है, अतः ये P जो है A को भी विभाजित करेगा। इस सवाल को हम लोग एक उदाहरण द्वारा भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, माना कि P बराबर पाँच, पाँच जो है एक आभाज संख्या है और एक और संख्या हम लोग A लेते हैं, A ऐसी संख्या लेते हैं जो P से विभाज। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमने लिया पंद्रह, तो पंद्रह का आभास गुणनखंड, ए का आभास गुणनखंड हम लोग करते हैं, ए का आभास गुणनखंड ए पंद्रह है, तो पंद्रह का आभास गुणनखंड हम लोग देख रहे हैं तीन गुना पाँच। अब ए का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो ए का वर्ग अर्थात ए का वर्ग जो है पंद्रह का स्क्वायर हुआ, अर्थात पंद्रह पंद्रह हाँ 225, और इस 225 का हम लोग जब गुणनखंड आभास गुणनखंड करते हैं तो ये आता है आपको तीन गुना पाँच गुना पाँच, अर्थात ये तीन का स्क्वायर गुना ये पाँच का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 15 225 का हम लोग आभास गुणनखंड करके देख लें, तीन 33
फिर तीन, फिर पाँच, पाँच पंचे पच्चीस। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर के जो अभाज्य गुणनखंड है तीन गुना पाँच गुना पाँच है। तो जैसे कोई भी संख्या ए एक ऐसी लेते हैं जो पाँच से विभाज्य है, और अर्थात अगर उसका हम लोग वर्ग भी करते हैं तो तीन गुना पाँच गुना पाँच, ये पाँच से विभाज्य है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग मेन सवाल पर चलते हैं कि पी जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी ए कोई भी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या आप ले लीजिए जहाँ पे जिसका स्क्वायर जो है अगर इस पी से विभाज्य होता, जैसे पी ए स्क्वायर को, अर्थात पाँच जो है 225 को विभाज्य, 225 बराबर 15 का स्क्वायर, यानी पाँच जो है 15 के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो ये पाँच जो है 15 को भी विभाजित करे। जिस तरह से हमने देखा कि P जो है A स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P A को भी विभाजित करेगी। हमने यहीं पर में सिद्ध किया जिसको हमने उदाहरण द्वारा देखा, जहाँ पर A कोई भी एक ऐसी संख्या लेना है जिसका जो वर्ग है यानी उसका स्क्वायर है अगर किसी संख्या, किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य होता हो, तो वो संख्या P से भी विभाज्य होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जो आने वाला वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।